तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां एक हैवान की हवस ने 14 साल की मासूम को गर्भवती कर दिया। अब पीड़ित ने अपने 5 माह के मर्त भ्रूण को एसएसपी ऑफिस लाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला मेरठ के थाना सिसाड़ी गेट क्षेत्र का है। एसएसपी ऑफिस पर आज सब उस वक्त सकते में आ गए जब एक 14 साल की किशोरी एक प्लास्टिक बैग में अपने 5 माह के मर्त भ्रूण को लेकर पहुंच गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वहीं के रहने वाले दो युवकों आदिल और हसन ने लगभग 7 महीने पहले पीड़िता के घर में घुसकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपियों ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई है। पीड़िता इस बात से घबरा गई और उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब कुछ दिन पहले पीड़िता के पेट में दर्द हुआ तो उसे डॉक्टर को दिखाया गया, जिस पर सामने आया कि पीड़िता गर्भवती है। ये पता चलते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी और पीड़िता के परिवार में बैठक हुई, इसमें समझौते के नाम पर पीड़िता पर दबाव बनाते हुए उसको 20,000 रुपए देने के साथ पीड़िता को आरोपियों ने गर्भपात की दवाई भी दी। हालांकि पीड़िता का परिवार इस समझौते को तैयार नहीं था। पीड़िता का भ्रूण अब उस दवाई से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे में आज हवस का शिकार बनी पीड़िता अपने मर्त भ्रूण को प्लास्टिक बैग में लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। शर्मसार कर देने वाले इस कृत्य पर एसएसपी ने भी गंभीरता जताई और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों के खिलाफ तमाम सख्ती होने के बावजूद आखिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। क्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। तो हमें कल पता चला कि ऐसे बात चल रही है इनकी झगड़े की, तो उसमें हसन और वो आदिल के इनका कोई मैटर चल रहा है। जो इनका बलात्कार हुआ है, क्या हुआ, सालों से बात चली गई है। तो इनके जो इनको बिठा के इनको चारा मिला, वहाँ कोई आदमी था सिर्फ हसन वहाँ, और जो आदिल और उसका बाप, इनको बिठा के इनको वहाँ डेली मैंने बात करी, 16 नंबर वहाँ बुला लिया। और हमें पता चला कि इतनी गर्भवती है वो, अरे 8 दिन पहले 4 दिन पहले दवाई खिला दी इस लड़की को। आज सुबह इनको पता चला कि ऐसे काम हो गया। देखिए, एक महिला यहाँ पे आई थी और वो अपना फीटस भी लेके आई थी। बहुत ही गंभीर बात थी, बड़ा अमानवीय सा लग रहा था कि स्वयं आई और उसने जो बात बताई वो ये बताई कि उसको इस तरह से किसी व्यक्ति से उसका संबंध था। और जब उसकी प्रेगनेंसी की बात घर वालों को पता लगी तो उन लोगों ने अपने परिवार में ही वो पंचायत बिठा के इस मामले को रफा दफा कर दिया। महिला इस पंचायत से या इस जो उसके परिवार का जो समझौता हुआ था वो उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए किसी का साथ लेके किसी की मदद से वो यहाँ तक आई। उसे थाना नौचंडी भेज दिया गया है, उस पर उसके प्रार्थना पत्र पे हम अपराध पंजीकृत करेंगे। अगर उसकी उम्र जैसा वो बता रही है कि 18 वर्ष से कम है, तो सभी सुसंगत धाराओं में पॉस्को के जो नए संशोधन हुए हैं उनको इंक्लूड करते हुए उसमें अपराध पंजीकृत करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।